नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं एक्सेल के एक नए ऑप्शन के बारे में, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। तो इस वीडियो में जो कुछ भी बात करने वाले हैं वो चलेंगे हम आपको एक्सेल में चलने के बाद आपको हम दिखाएंगे वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे जाके एक्सेल अपना ओपन कर लेना है अपने डेस्कटॉप से। जब एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप इस तरह का ओपन करेंगे तो खाली मिलेगा आपको, तो उसमें आपको हम बताएंगे, जो नया ऑप्शन बताने जा रहा हूँ वो है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम, इसका काम ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने लिखा है, सपोज दैट कुछ भी लिखा है, तो को जो है आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया है और वो चाहते हैं कि एक अक्षर इसमें का एक अक्षर ए में रहे, बी में रहे, सी में, डी में और ई में, सारे में एक एक अक्षर हो जाए। ये नहीं कि एक ही कॉलम में सारा हो जाए, तो आप चाहते हैं तो वो अलग अलग हो जाएगा। इसके लिए आपको जो प्रयोग करना पड़ेगा वो है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम बताऊँगा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कि वो कैसे करते हैं, उसका काम क्या होता है। तो ये जो है सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे उसको कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, अपना एक कहीं भी चाहे उसमें एक कॉलम सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो कुछ भी चाहते हैं लिखना वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ कैपिटल लेटर में, जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया यहाँ पे। अब इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको हमें जाना है डाटा पे। डाटा पर जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर, और सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, फिक्स विड्थ पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये नाम आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब क्या करना है, आपको सारे अक्षरों के बीच में आपको प्रेस कर देना है, क्लिक कर देना है सारे अक्षरों के बीच में। ये तीर ले जाके बगल में, उस अक्षर के बगल में तीर ले जाके आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे भी क्लिक कर देना ताकि एक जो ऑप्शन रहे बीच में वो खाली मिले आपको। तो इस तरह से हम सभी के बीच में क्लिक कर देते हैं। ये देखो मैंने सारे के बीच में क्लिक कर दिया। अब हमारा जो ये नाम लिखा हुआ है ये ए और बी में है, सिर्फ ए और बी में है। अब ये हमारे पूरे इसमें फैल जाएगा, इस पूरे भरे में फैल जाएगा। तो हम दिखाते हैं कि कैसे वो फैलेगा, कैसे वो लिखा मिलेगा आपको। तो उसके लिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह देखने को मिलेगा। इससे आप कुछ भी नहीं करना है कहीं भी, सिर्फ आपको यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश पर क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं, ये जो मेरा नाम लिखा हुआ था सिर्फ ए और बी में था, वसीम अहमद, पूरा कुछ बी में आ गया था, बाकी ए में ही सारा था। लेकिन अब वही चीज जो है यहाँ पे आ गया के तक में, वो एक ही एक एक अक्षर सारे में आ गया, डब्ल्यू ए और सी में यस, डी में आई और ई में यम, और जो मैंने बीच में जगह खाली किया था वो यम खाली है। उसके बाद जी में ए, एच में यच, आई में यम और जे में ए, के में डी, इस तरह से सारा जो है अलग अलग हो गया है। अब हम आपको दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया है वो सीम, और हम चाहते हैं कि ये चीज हम चाहते हैं कि सिर्फ सिर्फ हमारा जो नाम है वो उसी में रहे, बाकी जो अहमद लिखा हुआ सब टाइट सब नेम ये जो है हम अलग अलग करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आ गए, फिर स्विच पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जहाँ जो जैसा भी चाहेंगे आप वैसा यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ सभी में लगाओगे तभी होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम सभी में लगाएंगे, जैसे इसके बीच में मैंने नहीं लगाया, तो ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। ये भी हमें डिटेल दिखाएगा कि ऐसा आपको ऐसा है आपका। ये देख सकते हैं हमारा जो नाम है ये वसीम है, बाकी ए एच एम ए डी, क्योंकि यम के बीच में मैंने एरो नहीं लगाया था इसलिए मेरा डी में दोनों हो गया यम में। तो इस तरह दोस्तों आप जो है टेक्स्ट टू कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम प्रयोग सिर्फ इसीलिए होता है कि कोई भी अक्षर आप लिखना चाहते हैं, आप उसे पूरे एक एक वर्ड में एक एक अक्षर से एक एक अक्षर के साथ लिखना चाहते हैं,
तो इस तरह जो है आप इसे लिख सकते हैं कि हम कैसे जो है इसका पूरा अलग अलग करके कोई भी नाम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी अगर आप लिखना चाहते हैं उसे आप आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे रहने देना है तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये सिर्फ अहमद हमारा रहे और ये वसीम जो है इसके बीच में सारे में एरो हो जाए और जो अहमद है वो उसमें कुछ ना हो, तो ऐसा भी हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते कैसा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम सब सारे अलग अलग चाहते हैं, जैसा आपको जरूरत हो कि आप क्या मतलब जैसे चाहते हैं कि हमें सिर्फ सारे अलग अलग चाहिए तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो कुछ भी है सारा सारा का सारा सिर्फ, और उसमें जो लिखा जाता है टाइटल और जो नाम लिखा जाता है ये है यूजर नेम, जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप, वो सिर्फ वही अलग रहे बाकी और हमारा नाम एक ही रहे, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ जो करना है सिर्फ आपको ऑप्शन यही है कि आप इसी के माध्यम से आप जैसा भी चाहेंगे आप ऐसा कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारा वीडियो आखिर देखने के लिए दिल से थैंक यू, और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम आपकी खिदमत में नए से नए कंटेंट, नए से नए टाइटल और नए से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में पेश होता रहूँ। तो बस अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे जो है डाटा वैलिडेशन करते हैं, इसके वीडियो इसके बारे में बताएंगे, और हम आपको बताएंगे नए नए जानकारी। इसलिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेकर आऊँगा ये अपने चैनल पर, और इसमें कोई भी समस्या होती है तो हमें पूछ भी सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके खिदमत में पेश हों और आप उसका लाभ उठाएं। तो बस दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अगर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।